रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम चर्चा का। 1917 में देश में सबसे पहले सत्याग्रह की गूंज सुनाई दी थी और सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। देश में एक बार फिर से सत्याग्रह हो रहा है। वजह है इस दौर का गांधी यानी राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भुनाने के लिए भी जुट गई है। आज ही कर्नाटक चुनाव के ऐलान हुए हैं। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि 10 मई को चुनाव होंगे और 17 मई को इसके रिजल्ट आएंगे। आज इन दोनों मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारा पैनल। लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सुनाते हैं। देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है, और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार है। मिस्टर राहुल गांधी का यह विचार है कि इस देश पर राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस ऊपर मानने के कारण अपने आप को मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। क्या संविधान में बनी हुई व्यवस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 83 में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के
कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं, उनका ये मानना है। साथियों, देश में बहुत ही विकट परिस्थिति बनी है, सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज एक साथ एकजुट हो गए, एक मंच पे आ गए और उनका केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस देश में जो स्वच्छ सरकार है, इस देश में जो एक नया जोश है, इस देश में जो नया मिजाज है, उसको किस तरह से डिरेल करे, किस तरह से फिनिश करे, किस तरह से डिस्टर्ब करे। जो लोग आज अपनी बात को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट प्रूव करना चाहते हैं, जो लोग आज करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, उनको याद करना चाहिए किस तरह से यूपीए की सरकार में करप्शन का, भ्रष्टाचार का, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, इस देश को लूटा गया था। जो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं वो बताएं कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे थे, उस दौरान एक ऑर्डिनेंस को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ने से क्या इंस्टीट्यूशंस बनते हैं? ये बहुत एकदम क्लियरली प्रूव करता है कि मिस्टर राहुल गांधी अपने आप को सारे इंस्टीट्यूशन से ऊपर समझते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे वो ये बताएं कि जब संविधान के अनुसार सरकार को चलाने का गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है, तब क्या एक पैरेलल पीएमओ बनाना एनएसी के नाम पे क्या वो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन की बात थी? तो साथियों, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मिस्टर राहुल गांधी ओबीसी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने, उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके जो फैसला किया, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इन सब कोर्ट से, संविधान से, पार्लियामेंट से, इन सब से ऊपर है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। भाजपा से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्वनी साही जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जुड़ चुके हैं। और सपा से हमारे साथ शिल्पी चौधरी जुड़ चुकी हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम चर्चा में। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु त्यागी से करना चाहूंगी। सर, 1917 में देश में सबसे पहले सत्याग्रह की गूंज सुनाई दी थी, अब एक जिसमें गांधी थे। अब 2023 में एक सत्याग्रह की शुरुआत होने जा रही है। देखिए मयूरी जी, जो देखने में आ रहा है, अगर सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि आपने क्यों दो पूंजीपतियों को लाभ दिया आउट ऑफ द वे जाकर, तो उल्टा विपक्ष को घेरा जा रहा है। अगर महंगाई पर, अगर बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष को कोसने का काम किया जाता है, सदन में नहीं बोलने दिया जाता। अगर सड़क पर आवाज उठाई जाती तो सड़क पर आंदोलन नहीं किया जाता, आंदोलन नहीं किए, आंदोलन नहीं करने देते। ये इनकी सरकार में ही हो रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। हमने अभी हाल के दौर में देखा बजट सत्र में कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने पार्लियामेंट मौन कर दिया, पूरे पूरे पार्लियामेंट को माइक ही बंद कर दिए, सब लोगों ने देखा। आज ये उलझुल आरोप लगा रहे हैं, पिछड़ा विरोधी बात बता रहे हैं। क्या चोर को चोर नहीं कहा जाएगा? ये जो आप जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है, इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, सत्य की जीत होनी है मयूरी जी, और सत्य हमेशा ही टिका रहेगा। जो सच्चाई है वो ये है कि इस देश की जो आत्मा है वो संविधान है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान को मानती हुई आई है। ये पार्टी संविधान को मानती है और संविधान के जो प्रारूप है उसकी हमेशा से कदर करती है। आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं
उनको दबाव में लेकर काम किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, वो सब लोगों के सामने है। किस तरह से सरकारी जो संगठन थे, सरकारी जो संस्थाएं थी, उस नियमों की हेराफेरी करके किस तरह चंद पूंजीपतियों को दे दिए गए, वो सब लोगों के सामने है। जो कमाई वाले संस्थाएं थी, चाहे सेल हो, चाहे रेल हो, चाहे घेल हो, चाहे भेल हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे कोयला हो, चाहे बिजली हो, वो किस तरह से नियमों की हेराफेरी कर चंद पूंजीपतियों को और खासतौर पर दो पूंजीपतियों को दे दिए गए। पूरा देश एक तरफ और ये एक तरफ। 70 साल में 50 लाख करोड़ का ऋण था देश पे, आज 150 लाख करोड़ रुपए का ऋण हो गया। ये 9 साल की क्या उपलब्धि है इनकी? इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, यहाँ तो रोजगार घट गए हैं। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले एमएसएमई उद्योग, 1 लाख उद्योग बंद हो चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। तो ये सब सवाल जब सरकार से पूछे जाते हैं कि आप नौकरी क्यों नहीं देते हैं, महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं, 300 रुपए का सिलेंडर क्यों 1200 का बेच रहे हैं, 30 रुपए का पेट्रोल क्यों 100 रुपए का दे रहे हैं, महंगी सीएनजी क्यों दे रहे हैं, महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं, आपने हायर एजुकेशन की फीस क्यों बढ़ा दी, तो तब ये लोग विपक्ष को उल्टा दबाने का काम करते हैं। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी भेजने का काम करते हैं, जहां गैर भाजपाई सरकार है वहां विधायक की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने तक का ये काम करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा ऐसा, कर्नाटक में देखा, और अब हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में इस तरीके का इनके द्वारा जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, साम दाम दंड भेद छल कपट प्रपंच के द्वारा जो सत्ता हत्याना चाहते हैं, वो जो पैसा है वही तो सवाल उठ रहा है कि वो जो पैसा है ब्लैक मनी जो बाहर की कंपनीज में अडानी जी के उस पे डाली गई है खातों में, वो कहां से आया हुआ पैसा है? आज इन पे सवाल उठ रहा है तो ये सरकार बौखलाकर सदस्यता खत्म कर रही है। अब बहुत जल्दी बंगला खाली किया जाएगा, सुरक्षा ली जाएगी। आज सरकार को कहीं कुछ काम तो रहा नहीं है, अब विपक्ष को दबाएंगे, लेकिन विपक्ष ऐसे दबने वाला नहीं है। असली जो मुद्दे हैं देश के वो ये है कि देश का जो धन है वो कहां जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, अभिमन्यु जी क्यों बढ़ती जा रही है? बात महंगाई की नहीं है, रोजगार की नहीं है, बात है जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। हर बार इससे पहले भी आपने भारत जोड़ो यात्रा की थी, 1917 में भी आंदोलन किया गया था, लेकिन मेरा यही आपसे सवाल है कि ये जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष तो भारत जोड़ो का ये तो जनता बता रही है। जो कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तो जनता जुड़ गई, रोज लाखों लोग रोज पद यात्रा में शामिल रहते थे। राजस्थान को छोड़ के हमारी कहीं की सरकार नहीं थी, लेकिन लाखों लोग खुद पहुंचे ना, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों लोग खुद जुड़े। अब सत्याग्रह के उसमें जनता साथ देगी, जनता खुद चाह रही है कि परिवर्तन हो। नफरत की जो बोली बोली जाती है सरकार के द्वारा, जो संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ना ये चाह रहे हैं, संविधान में जो बदलाव करना ये चाहते हैं, और एजेंसीज का जो दुरुपयोग करते हैं, उन सब के खिलाफ जनता के हित में जनहित के लिए सत्याग्रह की बहुत आवश्यकता है। सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे जरूर परिवर्तन होने जा रहा है। जी ठीक है, मैं अश्वनी शाही के पास चलूंगी। अश्वनी जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है, हमें दबाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, अब वो फिर से एक बार सत्याग्रह आंदोलन करने जा रही है। मयूरी जी देखिए, अभी आपने अभिमन्यु भाई से पूछा तो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे डाला, सत्याग्रह पर कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कहां कौन दबा रहा है। भारत तोड़ो यात्रा किए, पूरा रास्ते भर बोले, जहां जहां बोलना था इतना इतना बोले कि जाकर श्रीनगर में बर्फ के गोले भाई बहन खेले, आतंकवादी की आंखों में आग डालकर बात किए, आतंकवादी डर गया इनसे। लेकिन सब कुछ सामान्य था, पूरे देश में जो जायजा लेने निकले थे माननीय मोदी जी के शासन में, सब कुछ सामान्य इनको मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिली। इन्होंने एक शिकायत की कि महिलाओं के साथ कुछ जो है छेड़खानी और कुछ अत्याचार किया गया था। पुलिस जब पहुंची माननीय मोदी जी की कि भाई बता दो किसके साथ किया गया था, बाकी तो सब ठीक मिला आपको, तो इन्होंने नाम बताने से इनकार किया और वहां पर उसका एक प्रोपगंडा बना दिया कि हमारे घर पुलिस भेज दी गई। दूसरी बात, अहंकार इतना है कि अगर माननीय जज
सूरत कोर्ट के ये बोल रहे हैं कि आप चाहे तो माफी मांग सकते हैं, मानहानि का मुकदमा है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसके बाद अभी अभिमन्यु जी कह रहे थे कि हमको दबाया जा रहा है, सजा हो गई, अपने आप जो है इनका निष्कासन हो जाता, जैसे सजा होती है, संवैधानिक व्यवस्था है कि वो निष्कासन हो जाता है। अभिमन्यु जी ने कहा कि संविधान का पालन कांग्रेस करती है, तो भाई अगर न्यायपालिका ने कोई सजा सुनाया और संवैधानिक तरीके से आप अयोग्य हो गए तो उसके बाद क्यों प्रदर्शन, क्यों उसका विरोध? इसका मतलब कि संविधान में व्यवस्था जो है उसका ये अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने लोकतंत्र को धाराशाही करने का काम कब किया? जब इमरजेंसी लगाया। लोकतंत्र को धाराशाही कब करने का काम किया? कि सारे वोट जो है पटेल जी को मिले और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, वहां लोकतंत्र की हत्या होती है। लोकतंत्र की हत्या रोज कांग्रेस पार्टी करती है और कहती है कि यहां लोकतंत्र की हत्या होती है, क्योंकि हिमाचल में इनके लिए लोकतंत्र ठीक है, उत्तर प्रदेश में खराब है, राजस्थान में ठीक है, दिल्ली में खराब है। तो ये तो लोकतंत्र की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ते हैं। और रही सत्याग्रह की बात, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। गांधी जी के जो हे राम लिखा हुआ है, जहां पर उनकी समाधि बनी हुई है, उस सत्याग्रह का, उस व्यक्ति का हे राम की परिकल्पना जो थी उसको लेकर चलते हैं, लेकिन सोनिया जी कहती है राम तो है ही नहीं, कार सेवक को, राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले को अपने सरकार में शामिल करते हैं, राम के नाम का हलफनामा देते हैं, राम सेतु को मानते नहीं, और राम की गांधी जी के राम की परिकल्पना को करते हुए सत्याग्रह करने जा रहे हैं। कोई सत्याग्रह नहीं है, सब इनका दुराग्रह है। और कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास इतना नहीं है कि उनका नेता सजा पाएगा, उनका नेता जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन ये लोग चिल्लाते रहे वीर तुम बड़े चलो शेर हो, ये हो वो हो, और चढ़ गए बेचारे। उनके खिलाफ कांग्रेस के लोग ही है मयूर जी, कांग्रेस से बाहर का कोई उनका दुश्मन नहीं है। अश्वनी जी, जो कर्नाटक का चुनाव है, क्या राहुल गांधी का मुद्दा इसमें देखने को मिलेगा, क्या इसका कुछ असर देखेगा? देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं, ये मुद्दे तो जरूर उठेंगे, लेकिन अभी डीके शिव कुमार कल पैसा बांट रहे थे, देखिए युवराज वो है, पूरे देश ने देखा, मीडिया ने, बीजेपी पर इसका असर कुछ देखने का मिलेगा? बीजेपी के ऊपर कोई इनका असर बीजेपी के ऊपर क्या? बीजेपी ने तो 2013 में 19% हम वोट पाए और उसके बाद हम 38% वोट हो गए, 36% वोट हो गए 18 में, तो वहां की जनता तो हमारे साथ है। इस बार हमने अपना लक्ष्य रखा है 130 से 40 सीट जीतने का, इन लोगों का 36 से 38% 2% वोट बढ़ा, हमारा दूना हुआ। जी ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ शिल्पी भी जुड़ी हुई है सपा से। शिल्पी जी, राहुल गांधी एक बार फिर से सत्याग्रह करने जा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, एक दूसरे पर हमलावर हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये धूर्त झूठे और मक्कार लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका जवाब विपक्ष को देना ही होगा। राहुल गांधी ने जो भी सवाल आज तक उठाए कोई सवाल गलत नहीं, उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। देश के सारे संसाधन बेचने वाली पार्टी देश को बेच रही है, और इनके जो मंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे, जिस तरीके से देश को गुमराह कर रहे थे, खुद उनको शर्म करनी चाहिए। ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू बताते रहे तब मानहानि नहीं हुई, ठीक है? और वो देश जहां चुनाव में किसी भी जाति के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, वहां अब कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष का नाम लेके ओबीसी का अपमान हुआ। तो चुनाव के दौरान हर हर मोदी, घर घर मोदी क्यों कहा गया? यानी उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो कार्रवाई हो रही है? नहीं होगी, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर इन बातों का कोई उपयोग नहीं बचा है। और अगर राहुल गांधी किसी भी सत्याग्रह को करते हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं भारतीय नागरिक के तौर पे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा
कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने सच बोला और उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। उनकी जगह कोई और आत्मसम्मान से भरा नेता होगा, वो बिल्कुल माफी नहीं मांगेगा। हम में से कोई भी सावरकर नहीं है और हम माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से सफल रही, उससे ज्यादा सफल ये अब उनका धरना रहेगा और हम सब पूरा विपक्ष उनके साथ है, क्योंकि ये राहुल गांधी के अपने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई करके उनके साथ उनकी सदस्यता खत्म करके हर चीज पे आप संविधान का तोड़ मरोड़ कर जो प्रयोग करते हैं आप करते रहिए। इस तरह से जनता के बीच में एक जो जागरूकता जा रही है ना, उसका जवाब भी जनता आपको देगी। और समय आ गया है कि पूरा विपक्ष इस तरह के सारे धरनों में साथ ही दिखेगा, साथ ना भी दिखे लेकिन जनता में जागरूकता हम बिल्कुल देंगे कि अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। जी ठीक है अश्वनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले शिल्पी जी से मेरा एक सवाल है। शिल्पी जी, कर्नाटक चुनाव का तो ऐलान हो गया, ये कर्नाटक की बात हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव भी यूपी में होने हैं और उसमें जो एक सीट पे अब्दुल्ला आजम की सीट पर चुनाव होने हैं वो भी आपके खेमे से आती है, उसपे क्या बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? फिर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से रामपुर में इन्होंने लोकसभा के उपचुनाव में किया। लोगों को अगर आप वोट नहीं डालने देंगे, लोगों को आप घरों से निकलने नहीं देंगे, तो फिर ये हमारे पार्टी से आती जैसा तो सवाल ही खत्म हो जाता है। जब आप लोगों को उनके मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे तो कहाँ लोकतंत्र बचा, कहाँ है शासन व्यवस्था बची, कहाँ है? तो ये तो जीती हुई सीट है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, अब तो प्रशासन और शासन चुनाव लड़ता है। उपचुनाव यहाँ होगा योगी आदित्यनाथ की सरकार का और जनता का, तो जनता के पास इतना दम कहाँ है जो बुलडोजर तंत्र के खिलाफ आवाज उठा रखे, और वो भी मुसलमान सारे मतदाता, वहां 80% मतदाता होंगे मुसलमान, उनके ऊपर बुलडोजर चलते कौन सी देर लगेगी? तो क्या करना है जनता को? जनता को देखना है ना कि अभी 4 साल इन अताइयों से उसे जूझना है, तो वो तो कहेंगी ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो पूरा पंगू कर रखा है सिस्टम, उस पंगू कर रखे सिस्टम में ना चुनाव का कोई महत्व है ना लोकतंत्र जैसा कुछ बताए, और संवैधानिक शक्तियों की और संविधान की बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। ये तो वो लोग हैं जो संविधान को कभी मानते ही नहीं, ये तो तिरंगे को नहीं मानने वाले लोग हैं, किस मुंह से ये बात करते हैं संविधान की और संवैधानिक शक्तियों? अगर संवैधानिक शक्तियों की ये बात कर रहे होते तो ये बार बार ये ना करते कि राम भक्तों पर गोली चलाई गई। क्यों नहीं आपने मुकदमा किया नेताजी पर? क्यों नहीं आप लेकर गए पुलिस थाने में? ठीक है, क्यों नहीं आप अश्वनी जी PIL लगाए? अश्वनी जी, शिल्पी जी का आरोप है कि बीजेपी वोट नहीं डालने देती। देखिए मयूरी जी, जब ये लोग चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र पर खतरा हो जाता है, और चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र सही हो जाता है। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। तो शिल्पी जी का कहना कोई गलत नहीं है, लोकतंत्र में इन लोगों को कितना विश्वास है ये देश की जनता देख रही है। अब देखिए यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, मैंने तो ध्यान से सुना, आप बीच में बोल रही हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र एकदम सही कह रही हैं आप, लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं सुननी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ही नहीं इस लायक कि उनकी बात नहीं सुनेंगे। शिल्पी जी कैसे सुनेंगे? विपक्ष की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, लोकतंत्र के में भरोसा करने वाले लोग लोकतंत्र का हनन यही कर रहे हैं। शिल्पी जी एक एक कर बात रखिए ताकि जनता तक बात जाए, एक 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 नेता जनता तक इनका झूठ जाना जरूरी नहीं है, जनता तक हमारा सच जाना जरूरी है, और वो जाके रहेगा, चाहे वो राहुल गांधी के मुंह से जाए, चाहे वो अब्दुल्ला आजम के मुंह से जाए, चाहे वो शिल्पी चौधरी के मुंह से जाए, लेकिन झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इतनी हताशा है, झूठ बोलने का। आज ही ये चुनाव को अपने आप को हारा हुआ मान चुकी है ये, झूठ ही। अब्दुल्ला आजम की सीट पर चुनाव होगा और ये चुनाव हार जाएंगे, ये हताशा बोल रही है। थाने में क्यों नहीं गया? पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? आपकी हताशा ये बता रही है कि तुम्हें समाजवादी पार्टी के करप्ट बात रखी। शिल्पी जी सुन लीजिए, चाहिए था
शिल्पी जी तो लगातार बोले चले जा रही हैं, आपने मुझे बोलने को कहा है और शिल्पी जी बोल रही हैं, अब देख लीजिए क्या आपको भी वक्त दिया जाएगा। सुन लीजिए अश्वनी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा वक्त लोकतंत्र के हत्यारों को हम बिल्कुल सुनने नहीं बैठे हैं, ना हम सुनेंगे। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को हमें नहीं सुनना, हमारा ही यही अनशन है। शिल्पी जी बिल्कुल आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, अश्वनी जी को भी सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। देखिए ये हताशा कितनी है शिल्पी जी की, इन लोकतंत्र के हत्यारे। अरे भाई जो लोकतंत्र की हत्या किया मैंने गिनवा दिया, इमरजेंसी से बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या थी? कार सेवकों पर गोली चली वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, लेकिन ये बोल रही है बीच में वो भी लोकतंत्र की हत्या है। मैं तो ध्यान से सुन रहा हूँ, लेकिन आप देखिए हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार ये बोले चली जा रही है। यानी कि हताशा है समाजवादी पार्टी के मन में, हताशा और डर है। और अखिलेश यादव एक डरे हुए नेता है, उनके प्रवक्ता ने अपने अभिमन्यु जी के पास चलती हूँ। अभिमन्यु जी, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, उन्हें सजा का ऐलान हो गया, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए मयूरी जी, राहुल गांधी जी की जिस तरह सदस्यता छीनी गई है और सरकार की तानाशाही रवैये के लिए 29 मार्च से 8 अप्रैल तक सत्याग्रह चलना है। और आप देखिए, राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है ये, गांधी परिवार की भी लड़ाई नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी की भी लड़ाई नहीं, और ना ही विपक्ष के किसी दल की या किसी विपक्ष के नेता की लड़ाई है, ये तो देश की जनता की लड़ाई है। और देश की जनता की जो लड़ाई है वो पूरे देशवासियों की लड़ाई है, यही असली राष्ट्रवाद की लड़ाई है। और जब राहुल गांधी जी सवाल इस सरकार से पूछ रहे हैं कि अडानी जी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उनका माइक तक बंद कर दिया जाता रहा। वो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं इस बात को। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से सरकार घबरा गई थी, मीडिया के एक वर्ग द्वारा जो सेंसरशिप थी राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर, वो भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो सब टूट गया। सरकार का बनाया हुआ चक्रव्यूह, देश ही नहीं विदेश तक में राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए मुद्दे चलने लगे, लोग सवाल पूछने लगे सरकार से। और अब जब सरकार खुद घिर गई कि मोदी जी के मित्र कौन है, मोदी जी के मित्र जो अडानी जी है उनको जिस बचाने के लिए उन्होंने सदस्यता तक छीन ली राहुल गांधी जी की, अब कोठी छीन रहे हैं, अब इसके बाद सुरक्षा हटाएंगे, ये सरकार की बौखलाहट है। और जनता जरूर इन्हें सबक सिखाएगी। गांधी जी की प्रतिमाएं जहां जहां पर वहां धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और गांव गांव तक पहुंचने का, क्योंकि ये वक्त भी है, गांव गांव तक इस बात को पहुंचाने का ये मौका है। कांग्रेस पार्टी इस मौके पर गांव के आखिरी बूथ तक, गांव के आखिरी आदमी तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करेगी। सरकार किस तरह से चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश सौंप चुकी है, नवरत्न कंपनियां दे चुकी है, सेरलेल गेल भेल जैसी कंपनियों को दे चुकी है, हवाई अड्डे पोर्ट दे चुकी है। और इस देश में जिस तरह से तानाशाही चल रही है, जहां जहां भी गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार नहीं चलने देती, विधायकों को तोड़कर सरकार अपनी बनाने का काम करती है, ये सारा जो ब्लैक मनी है ये आता कहां से है, ये अडानी जैसे लोगों को जो ये फंडिंग करते हैं ये वहीं से तो आता है, आज तक इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है। इन सारे बातों को लेकर ये सत्याग्रह हो रहा है, और इस सत्याग्रह की कामयाबी भारत जोड़ो यात्रा से भी बड़ी होने जा रही है। अश्वनी जी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई को लेकर एकदम तैयार है, तो कांग्रेस आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं, हमारे लिए सभी दल चुनौती है। कांग्रेस के पास अब बचा क्या? कांग्रेस के राहुल गांधी कहा करते थे, मैं नहीं डरता हूँ और आप लोग मत डरिए अपने कार्यकर्ताओं को, सावरकर नहीं हूं मैं। लेकिन देखिए, एक चूड़ी टाइट किया केवल शिवसेना ने और सावरकर पर सारा हवा निकल गया। अब क्या सारे ट्वीट अपने डिलीट करेंगे सावरकर पर? राहुल गांधी क्या आप नहीं बोलेंगे उन पर? क्यों नहीं बोलेंगे? सावरकर अच्छे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट राजनीतिज्ञ हैं जिनको एक छोटे दल ने, अब कांग्रेस की स्थिति यह हो गई कि क्षेत्रीय दल जिनका कोई अभी वजूद नहीं है, उन्होंने इनको धमका दिया और ये डर गए, दहशत में आ गए कि सावरकर पर नहीं बोलेंगे। आज वही अखिलेश यादव जी ने कहा इनको कि हम अमेठी और रायबरेली में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, कहां जाएंगे? आज उसी अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुमार स्वामी के पीछे ये लग जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। तो अब क्षेत्रीय दल इनको नसीहत दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
और हम हमारी लड़ाई जहां जहां हम लड़ रहे हैं सबसे लड़ रहे हैं, जो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, सभी हमारे लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और हम उनके साथ मजबूती से लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम करेंगे। अश्वनी जी, कर्नाटक के चुनाव होने हैं, कितनी टक्कर आप कांग्रेस को दे पाएंगे? दोनों का रण है, जीतने का प्रण है। देखिए, मैंने जैसा अभी बताया है कि हमारा 19% वोट था और हमारा जो है 36.5% वोट हुआ 13 से 18 में। इनका 36% से 38% हुआ, मात्र 2%, लेकिन सीटें इनकी घट गई। 100 से ऊपर सीटें थी वो आ गई 40, इनका 2% वोट का इजाफा हुआ। हम लोग दूने पर पहुंच गए। हमको थोड़ी सी मेहनत और करनी है और वो मेहनत हम कर रहे हैं। पर हमेशा कमीशन का आरोप लगता रहा, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया है, वहीं आप ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ये मामला समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर कमीशन का आरोप किसी ने लगाया है तो उसकी जांच हो रही है, जांच होगी और जो उसमें दोषी पाया जाएगा वो जेल जाएगा। अभी हमारे ही एमएलए का लड़का जो है पैसा लेते हुए पकड़ा गया, जेल गया, जमानत हुई, बाहर आया, वो जेल गया। वो तो भ्रष्टाचार में हम किसी के लिए अपना भाई और अपनी बहन और अपना वो नहीं करते हैं, ये हमारे भाई हैं, बहन है, जीजा है, मामा है, नहीं करते हैं। भ्रष्टाचारी हमारे लिए सारे भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन एक भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस जिसके ऊपर पेंटिंग तक बेचने का, अब बताइए क्या 2014 के बाद कोई पेंटिंग बनी, कोई पेंटिंग बिकी, गमले में गोभी उगा, पीतल का कटोरा बेचने वाले कभी जो है आज तक जमीन खरीद पाए, कोई नहीं हुआ। जी ठीक है जी। अभिमन्यु जी, कर्नाटक के चुनाव होने हैं, आप कितना तैयार हैं? देखिए, हमारी तो सरकार बनी गई थी पिछली बार, लेकिन इन लोगों ने गिरा दी। ये जनता की जो बहुमत है उसके खिलाफ गया मामला, जनता इनसे नाराज है। इन्होंने जो जो वादे करे वो कभी पूरे नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार का ये बात करते हैं, इनकी नेता सुषमा स्वराज के वहां एक सहयोगी थे, नाम जुड़ा, उन पे जांच भी चल रही है, क्योंकि जांच चल रही है। मैं इनकी तरह, हमारे साथी है ये, इनकी तरह मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करूंगा नहीं, लेकिन रेड्डी जी है वो, उनपे जांच चल रही थी सीबीआई की, तो भ्रष्टाचारी है। आज जांच कहाँ है? एक फाइल दूसरी टेबल तक तो पहुंची नहीं है। वो इनकी सरकार में पूरा लूट तंत्र जो बनाया उसको फॉलो कर रही है नई सरकार। पूरा पूरा प्रदेश को लूटा गया। अब दावे बड़े बड़े हैं लेकिन हार इनकी निश्चित है। मध्य प्रदेश में भी ये हारेंगे, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो 24 से पहले चुनाव होने हैं, वह भारतीय जनता पार्टी को जनता ही सबक सिखाएगी और 24 में निश्चित तौर पर जनता जो असल मुद्दे हैं जनता के, महंगाई के, बेरोजगारी के, शिक्षा के, चिकित्सा के, किसानी के, उस पर वोट करेगी। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद जैसे भावनात्मक मुद्दों पर अब जनता भरोसा नहीं करने जा रही है, क्योंकि उस नाम पर इन्होंने बहुत बंटवारे की राजनीति कर ली, लोगों को डराने की राजनीति कर ली है और भेदभाव की लोगों ने बहुत लंबे समय तक राजनीति कर ली। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा शिल्पी जी से है। शिल्पी जी, क्या 2024 के चुनाव में आप कांग्रेस को साथ लेंगी, क्योंकि अभी आप समर्थन कर रही हैं? देखिए, हम समर्थन इस ताना शाह सरकार का कर रहे हैं और अभी जो तीसरा मोर्चा बनेगा उसमें विकल्प सभी के लिए खुले होंगे। कांग्रेस साथ आना चाहेगी तो कांग्रेस भी आएगी, नहीं भी आएगी तो हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी इस देश को एक भ्रष्ट सरकार से बचाने की है, तानाशाह सरकार से बचाने की है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये भविष्य की बात है कि हम समर्थन लेंगे कांग्रेस का या नहीं, या कांग्रेस हमारे साथ आएगी या नहीं। लेकिन चाहे कांग्रेस हो या हम हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, हम सबकी लड़ाई से है, इस देश की जनता के लिए है, महंगाई के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, महिलाओं के लिए बढ़ रहे जो अपराध हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें फूड सिक्योरिटी बिल के साथ साथ हेल्थ सिक्योरिटी बिल जो अब राजस्थान में लागू किया गया है, हमें उस तरीके के प्रोविजन चाहिए जो राइट टू फूड कांग्रेस का बिल था, जो सारे काम थे ये कांग्रेस ने किए हैं। तो हम निश्चित तौर पे इस जी आप लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर सड़क पर कब उतरेंगे? सड़क पर उतरते हैं, आपको अगर नहीं दिखे तो आपकी टीम से कहिए कि दोबारा से देखा कर। ट्विटर पे तो उतरते हैं ना, ट्विटर पर पूरे ताकत से जब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों की राजनीति हमेशा ट्विटर पर एक्टिव दिखती है, सड़क पर कब आप उतरेंगे मुद्दों को लेकर?
मोदी मीडिया को नहीं दिखता है, 22 के चुनाव में चिल्लाते रहे, जनता नहीं सुन पाई। देखिए यहाँ पर मीडिया की बात नहीं है, मूत्रकाल की, मैंने गोदी मीडिया की बात की है ना, गोदी मीडिया मूत्रकाल की राजनीति में उतर आया है, जो वर्चुअल एक हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, किसी भी मुद्दे को लेकर रोड पर नहीं दिखाते। हाँ, सारा कुछ कह रहा यादव नजर आए, कोई कुछ कह रहा हो, गोदी मीडिया को अखिलेश यादव मुद्दे उठाते कभी दिखते ही नहीं है ना, क्योंकि गोदी मीडिया को पैसा मिला होता है जिसकी गोद में वो खेल रहा है उससे, उसको दिखाने का, तो उसको और कुछ दिखेगा नहीं। हमें तो किसी से कोई पैसा नहीं मिला, हम तो वही मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने तो गोदी मीडिया की बात करी है, आप होंगे या नहीं होंगे मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल दिखेंगे, और हम क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे आप मीडिया पर बैठकर मीडिया पर सवाल उठा रही हैं। क्यों मीडिया पे बैठ के क्या मीडिया पर बात नहीं की जा सकती? आप कह दीजिए अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से वो मुझे ना बुलाएं, मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मुझे बुलाएं। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम भी नेता हैं, हम भी जनता की बात करेंगे, और हम भी जानते हैं कि मीडिया आजकल कितनी स्वार्थी हो गई है। मीडिया हो सकता है आप निष्पक्ष हो, तो आपको निष्पक्षता से मेरी ये बात सबके समक्ष रखनी चाहिए। आपके बिना पत्रकारिता अधूरी है, बिल्कुल। नेता और पत्रकार दोनों एक सिक्के के दो, समाजवादी पार्टी के बिना पत्रकारिता अधूरी। वाह, क्या आपने भी मयूरी जी ऐसी बात कर दी, उनको नहीं दिखता। और ये लोग बैठ कर यहाँ पर शिक्षा देंगे पत्रकारिता का? पत्रकारिता पर ये लोग सवाल उठाने वाले होते कौन है? संबल में जब पत्रकारों को मारा समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उस समय कहाँ गई थी शिल्पी जी की ये बात? क्यों नहीं अखिलेश यादव की मौजूदगी में पत्रकार जागेंद्र स्वरूप को शाहजहांपुर में जलाकर जब मार दिया इनके कार्यकर्ताओं ने, तो कहाँ थे ये लोग? आज पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये मुद्दा उठाने पर गोदी मीडिया बता दिया जाता है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश में एक बार फिर से सत्याग्रह हो रहा है, वजह है इस दौर का गांधी यानी राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। प्राइम चर्चा में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।